हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो भी रहेंगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रॉम डॉलर इंडेक्स टू लेके गोल्ड और सिल्वर तक की स्टडी हम करेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल हमने काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर किया, मैंने आपके साथ जो शेयर किया था रेंज, फाइनली एक वहाँ पर बॉटम बना के थोड़ा सा अपसाइड गया है, बट स्टिल क्या हो सकता है उसके विषय हम देखेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको नेचुरल गैस और अदर सेंटीमेंट्स की वीडियो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, उसको आप यहाँ पे लर्निंग पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, जो लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है उसको हम देखेंगे। अब फ्रेंड यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये जो 22 का इसने हाई लगाया है, 19 का हाई है, उसके बाद में 22 का हाई है, उसके बाद में बॉटम की अगर बात कर लेते हैं तो इसने 22 को यहाँ पे कहीं ये बॉटम बनाया 104.2 का, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। उसके बाद में 104.1 और 104 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो अभी जो भी कंडीशन रहेगी इकोनॉमिक डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक डेटा इस वीक में आने वाला है, मैंने आपके लिए डेट और टाइम दोनों क्लियर कट में इंडिकेट किया है, वो आप वीकली जो वीडियो है अमेरिकन मार्केट के ऊपर और इंडियन मार्केट के ऊपर उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज के प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ टॉप बनाने के बाद में धीरे धीरे करके आज इसने थोड़ा सा डाउन मूव किया है, बट स्टिल अभी बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में नहीं लग रहा है। जो कल का लो लगाया था वो आपको वॉच कर लेना है कि कल के लो को मार्केट एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, उसके बाद फर्दर डिसाइड करने की कोशिश करेगा। सिमिलर तरीके से अगर आप यहाँ पे गोल्ड को देख रहे हैं तो 2400 का लेवल इम्पोर्टेंट इसके लिए बना हुआ था, इसने लो लगाया है जो हम डिस्कस कर रहे थे 2480 के आसपास तक का, 2380 के आसपास तक का लो लगा सकता है। इसने लो का फॉर्मेशन किया है लगभग 85 तक का, 5 पॉइंट ऊपर होके निकल गया, लेकिन इसने थोड़ा सा पॉजिटिव करके निकला था, इस वजह से भी 2400 स्टिल एन स्ट्रॉन्ग जोन है, उसको आपको वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ही फर्दर डिसाइड करेंगे। आज की ओपनिंग के जो चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ से बहुत हायर साइड जाएगा, 2410-12 का लेवल रहेगा और नीचे एज इट इज ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी इस बीच में ट्रेवल करेगा जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं आ जाता कि क्या इकोनॉमिक डेटा है, क्या प्रोजेक्शन आने वाला है। और अभी लगभग एक वीक बचा हुआ टाइम, जो फेड का फाइनल कमेंट होता है, फाइनल मीटिंग होती है, उसके ऊपर भी डिसीजन आने वाला है, तो इन सभी के बीच में थोड़ा सा स्टडी मूव रहेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम अगर कॉमेक्स के बाद में एमसीएक्स को देखते हैं गोल्ड के, तो गोल्ड का एमसीएक्स इसने बॉटम लगाया है लगभग 72,470 का। हमारे लिए जो लेवल्स यहाँ निकलते हुए देखने को मिले, अगर इस जोन पर एंट्री करता है तो ये दोबारा से जो 72,700 के ऊपर निकलने पर जो कि पॉसिबिलिटीज़ है 72,900 और 73,000 तक का लेवल दिखा सकता है। इनके से नीचे निकलता तो इसको 72,400 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो हमने कल की वीडियो में भी देखा था और आज भी सिमिलर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, जो सिल्वर कॉमेक्स है। गोल्ड थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है गोल्ड कॉमेक्स, और सिल्वर का कॉमेक्स थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न पॉइंट बना रहेगा। अगर दोनों एक डायरेक्शन में रहते हैं तो हमें एक पॉजिटिव होप मिलता है, दोनों का प्राइस पैटर्न अलग है बट एक डायरेक्शन में रहता है तो हमें एक होप मिलता है कि हाँ ऐसा कुछ बन सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो जो इसने पूरे ट्रेडिंग कर रखा था, आज की जो इसमें ओपनिंग हुई है, एक कैंडल ने इसमें लगभग पूरा 3 से 4 घंटे की क्लोजिंग कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 29 तक का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है, और उसके नीचे जो इसने बॉटम बनाया है ये यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको ये दोनों कंडीशन वॉच करनी है कि 29 यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज 29.5 है, तो इसी बीच में इसको ट्रेवल करना चाहिए। इसको फॉलो करता है इंडियन मार्केट का एमसीएक्स, तो वो कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सिल्वर मिनी को अगर आप देखते हो तो ये जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक इसने 88,400 के आसपास तक का बॉटम बनाया, उसके बाद में रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, फाइनली इसने 89,200 के आसपास क्लोजिंग किया है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन यहाँ फॉर्मेशन है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये रेंज ब्रेक करने के बाद में, ब्रेक का मतलब क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद में 90,000 तक का पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी।
इन केस जैसा कि अभी कॉमेक्स करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक अगर गिरावट का टाइम भी आता है तो 88,400 जिसने बॉटम बनाया है वो इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी, और इस कैंडल पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा इस रेंज में। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए तब तक प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस इसको ब्रेक कर देता है किसी भी कंडीशन में तो हमें गिरावट का टाइम भी अलर्ट होकर देखना पड़ेगा, उस टाइम पर हमें जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। 4 आवर सेटअप में अगर कंडीशन आप यहाँ पे वॉच करते हो तो 4 आवर कंडीशन भी काफ़ी बेटर होती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो गिरावट का टाइम चल रहा है वो स्टिल कंटिन्यू है, रेंज का फॉर्मेशन, गिरावट अब बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे रुक रुक के चल रहा है, ऐसा नहीं सडनली गिरता हुआ जा रहा है। तो जो सेलर्स हैं वो भी थोड़ा सा हावी हैं जब तक कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं हो जाता है। हमने यहाँ पे ये रेंज देखा था कि ये रेंज भी जब आया था एक पुल बैक लिया था, यहाँ पे ये रेंज बना रहा है। अगर इस रेंज में बना रहता है और फाइनल ब्रेकआउट करके सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एक पुल बैक के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। ये कंडीशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं जो कंडीशन इसने बना रखी है कि सिल्वर माइक्रो कैसा काम करता हुआ देख रहा है। माइक्रो की प्राइस पैटर्न को अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स आवर्ली में सबसे पहले, तो आवर्ली कंडीशन में इसने जो बेस बनाया था, बॉटम बनाया था 88,500, ये इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए बना हुआ है। यहाँ पे आने के बाद में इसको दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ लगभग अगर आप यहाँ से देखते हो तो लगभग 600 से 700 पॉइंट का पुल बैक दिया है। तो जितना डिमांड जोन के पास पावर रही उतना वो लेके जाएगा। अब आज दोबारा से इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से ओपनिंग इसकी हायर साइड में होती है तो इसके लिए मैक्स जो रहेगा ये रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, रेंज इसको दोनों साइड डिसाइड करने के लिए रेडी रहेगी। 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हो तो 4 आवर कंडीशन का भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। ट्रेडिंग में अगर कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट आप देखोगे तो ये रेंज का फॉर्मेशन रेंज का 1:1 से ज़्यादा का रिवार्ड दे चुका है। ये यहाँ पे बॉटम बनाया है, बॉटम पे ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है, इसके बाद में आपको ब्रेकआउट का मूव करना है। हायर साइड जाता है तो इसके लिए 90,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लोअर साइड में ये सपोर्ट लेवल है, इनके से ब्रेक करता है तो हमें बड़े मूवमेंट के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और बड़े मूवमेंट के लिए आपको स्टॉप लॉस के साथ में जाना पड़ेगा जैसा हमने मिनी में देखा था। आज इंडियन बजट का डे है, कल इकोनॉमिक सर्वे भी आया था तो उसका भी आपको वॉच करना, वो आपको जो इक्विटी मार्केट है जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। इनकेस गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन या अदर कंडीशन नहीं लगाई तो फिर एक मार्केट में मोमेंटम आपको प्लस साइड में देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कुछ ऐसी टैक्सेशन या अदर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है जो ट्रेडर के ऊपर, कुछ FNO के ऊपर जो टैक्स लगाने के लिए बात कर रहे हैं, इन सभी पर अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है काफ़ी बेटर आया है, उसके बेस में आज का रिजल्ट भी एक पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। तो कंडीशन आपको जब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में 11-12 बजे के आसपास में जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्शन आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हम कंडीशन देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड उससे डाउन, थर्ड दोबारा उसी लेवल पे, अगर ये फोर्थ यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए जो हमने वीकली सेंटीमेंट देख रखा था ये रेंज रहेगी। इनकेस नहीं ब्रेक करता है तो उस केस में इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, फिर हमारे लिए नए टारगेट्स निकलते हुए देखने को मिलेंगे। ये वीक डिसाइडिंग वीक है क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा, GDP का डेटा और भी अदर इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, तो उन सभी के बीच में हम देखेंगे, लर्न करेंगे। फाइनली अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइड वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट है जब तक इस रेंज को ये क्रॉस नहीं करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।